पीएम मोदी के चुनाव लड़ने पर 6 साल रोक लगाई जाए। पूर्व नौकरशाह ईएएस शाह और फातिमा ने पीएम मोदी और अमित शाह पर अपने भाषणों के जरिए नफरत फैलाने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की थी। पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ दायर की गई इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार यानी 14 मई को सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी नेताओं के कथित नफरत फैलाने वाले भाषणों के खिलाफ दाखिल की गई याचिकाओं को खारिज कर दिया। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है, मैं हूं राजेश शर्मा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या क्या हुआ, इस वीडियो में आगे हम यही जानेंगे। पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ दायर की गई याचिका में पूर्व नौकरशाह ईएएस शाह और फातिमा नाम के याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में चुनाव आयोग को पीएम मोदी के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश देने की मांग की थी। प्रधानमंत्री के 21 अप्रैल को राजस्थान के बांसवाड़ा में दिए गए चुनावी भाषण पर आपत्ति जताई गई थी। शीर्ष अदालत में सुनवाई के दौरान जस्टिस विक्रम नाथ और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने याचिकाकर्ताओं के वकील से कहा, ये ऐसा विषय नहीं है जिसके लिए सीधा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की जाए। याचिकाकर्ता को चुनाव आयोग के सामने अपनी बात रखनी चाहिए। पीठ ने मामले पर विचार करने में अनिच्छा व्यक्त की, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने याचिका वापस लेने का फैसला किया। फिर याचिका को वापस लिया गया, मानकर खारिज कर दिया गया। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा, मैंने पीएम मोदी के जरिए दिए गए भाषणों को संलग्न किया है, जहां उन्होंने साफ तौर पर भगवान के नाम पर वोट मांगा है। याचिकाकर्ता ने पहले चुनाव आयोग से संपर्क किए बिना सीधे कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जस्टिस ने आगे कहा, इस तरह अनुच्छेद 32.226 के तहत ना आए, आपको प्राधिकरण से संपर्क करना होगा। यदि आप हटाना चाहते हैं तो हम आपको इजाजत देंगे। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के बाद याचिकाकर्ता ने चुनाव आयोग के पास जाने की इजाजत मांगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें इजाजत क्यों देनी चाहिए, ये आपका काम, आपकी समस्या है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अनुराग ठाकुर और पीएम मोदी के खिलाफ दायर की गई एक अन्य याचिका को भी खारिज कर दिया। तो चलिए अब आपको वो भाषण सुनाते हैं जिसके खिलाफ ये याचिका दायर की गई थी। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है, और ये माओवाद की सोच को धरती पर उतारने की उनकी कोशिश है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हरेक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा, हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा, हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा, सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहाँ है, नौकरी कहाँ है, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों से जुड़े ताजा अपडेट के लिए वन इंडिया हिंदी के बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।